हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं कोहिनूर, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक द मेन मार्केट ऑफ ऑल ब्रांड्स इन फैसलाबाद। तो क्योंकि काफ़ी सारी सेल्स लगी हैं, सो आई वांटेड टू लाइक चेक आउट ऑल द प्लेसेस। आई नीड सम यू नो क्लोथ्स फॉर तुम खाती रहो क्लोथ्स फॉर माई वर्क प्लेस। और मेरी बहन अपना नाश्ता साथ ही लेके आई है, हालांकि अभी एक बज गए तो ये नाश्ता नहीं लंच हो गया। ओके, तो निकलने से पहले मैं सनब्लॉक लगाऊंगी क्योंकि आजकल बहुत ही ह्यूमिडिटी भी है और शदीद गर्मी भी है। सो आई एम गोना पुट दिस सनब्लॉक। आई डोंट नो इफ इट इज़ गुड और नॉट, बट मैंने ये केयर फार्मेसी से लिया था। ओके जी, तो हम पहुंच गए कोहिनूर आफ्टर लाइक सो मच टाइम, और अब हम शॉपिंग करते हैं और अगर कुछ खास लिया तो आपको भी बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जनरेशन गए और ये येलो वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये मेरे साइज में ही था। ये दूसरी कमीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन एक तो आपने सुन लिया होगा कि मुझे इसकी लेंथ का इशू था। दूसरा, मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि मैंने वाइट कलर का कोई भी नहीं ड्रेस लेना। ये मेरी बहन ने लिया है जनरेशन से, जो अभी वो दिखा रही थी। और यहाँ पे ट्राई रूम का इस दफ़ा अलाउ नहीं था। ये वाला जो सामने ड्रेस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी सेल पे था, लेकिन ये भी मेरे साइज में नहीं था। और मैंने देखा है कि इनकी अब आप शायद मतलब ऑन स्टोर जाके भी ना बस डिज़ाइन देख लिया करें और ऑनलाइन ही ऑर्डर करें, क्योंकि साइजेस नहीं मिलते इन स्टोर जो है, और टेस्ट एंड ट्राई की भी इजाज़त नहीं है। फिर हम ब्रेकआउट पे गए, वो सिर्फ मेरी बहन की वजह से गए थे क्योंकि मुझे तो ब्रेकआउट से ऐसा कुछ लेना नहीं था। उसने थोड़ा सा वेस्टर्न स्टफ़ जैसे टी शर्ट्स वगैरह होती हैं। फिर ब्रेकआउट के साथ ही आउटफिटर है, वहाँ पे गए, वहाँ पे शर्ट्स देखी। फिर हम आउटफिटर के भी जो है किड्स सेक्शन चले गए, क्योंकि हम अब जहाँ पे भी जाते हैं, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया कि वहाँ पे भी नीस के लिए चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो वी वर सीइंग कि कितने मतलब जो ऑनलाइन आउटफिटर की सेल है ना, उसमें किड्स सेक्शन में बहुत प्यारे प्यारे से चीज़ें आई हुई थी। तो यहाँ पे जब हमने देखा इन स्टोर, तो बस कुछ अच्छे थे और बाकी बस एवरेज से थे। फिर हमने फेसबुक पे ये शॉप देखी थी, इसका नाम था गर्ल केव। ये वाला मुझे इतना अच्छा लगा था जो अभी आपको नज़र आ रहा है ब्लू सा, तो ये मतलब कोई ब्रांडेड नहीं है, लेकिन ये बहुत मुझे तो अच्छी लगी थी। फिर मैंने अपनी बहन को बहुत मनाया कि यहाँ से कुछ ले लो, मतलब जो उसको जिस टाइप की चाहिए थी, लेकिन उसने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और हमने लिटरली 2-3 घंटे गुजार दिए और अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा था, मतलब शायद कोई एक ही चीज़ खरीदी थी। तो फिर इसके बाद हम आई थिंक गए थे, कहाँ पे गए थे मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये आई थिंक बोनैन्जा है शायद, वहाँ गए थे। नहीं, बोनैन्जा तो आई थिंक कोहिनूर में है ही नहीं। हम शायद बीच ट्री पे, हाँ ये बीच ट्री है। तो बीच ट्री पे यूजुअली मुझे, अगर आपको ट्राउजर कहीं से भी लेने हैं ना, वो बीच ट्री के लें, लेकिन इस दफ़ा मुझे बीच ट्री पे भी कुछ अच्छा नहीं मिला था। और जहाँ पे भी मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो वाइट कलर में थी। अगर मैं उनसे पूछती कि इसमें कोई और कलर है, तो कलर ही नहीं होता था या मेरा साइज़ नहीं मिलता था। और मैंने इस दफ़ा, हालांकि मुझे इतने ही, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो शर्ट, ये वाली वाइट इतनी ज़बरदस्त है, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं तुमने बहुत वाइट। फिर हम आइडियाज़ चले गए और मेरी तो बस हो गई, मैं जाके बैठ गई और मेरी बहन जो है वो ढूंढ रही है, अब आपको वेव भी कर रही हूँ। तो आइडियाज़ वो जगह जहाँ से मुझे पहले हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा मुझे आइडियाज़ पे भी कुछ अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ फिर मैं, हम सफ़ायर पे गए। सफ़ायर से आई थिंक मेरी बहन ने एक शर्ट ली है। सफ़ायर का स्टोर मुझे बहुत पसंद है, ये फैसलाबाद वाला, इतना मज़े का इसका वो पूरा लुक है ना। और इन्होंने वो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी बहुत लगाई थी। फिर हम एथनिक पे गए और एथनिक से मैंने सबसे ज़्यादा मतलब शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं मतलब कुछ ही ड्रेसेस लिए एक दो। लेकिन अब आप देखें कि मैं इनको देख के कहती हूँ फास्ट फैशन का दौर है, यानी फास्ट फैशन ही होता ना, जल्दी से जल्दी चीज़ें बदलती रहें। तो खैर, एथनिक यूजली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें इनके ट्राई रूम्स भी इतने अच्छे, अंदर पूरा सिटिंग का थोड़ा था। ये एथनिक की शर्ट है जो मैंने अभी पहनी और ये मैंने ख़रीदी है। मैं आपको अगले किसी व्लॉग में सारे जो कुछ मैंने ख़रीदा है ना, वो आपको सेपरेटली वन बाय वन दिखाऊंगी, आज तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये वाली शर्ट मुझे साइड से थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन इसके साथ ना खुला सा उन्होंने ट्राउज़र दिया, बहुत खुला नहीं है। और एथनिक के इन पे परफ्यूम्स पे भी सेल थी, वो भी बहुत अच्छे थे, वो खैर मैंने नहीं लिए। फिर मेरी बहन जो है, इसको तो बहुत देर लगती है चीज़ें ढूंढने में या पसंद आने में, तो मैं तो थक गई थी बस। तो मैंने कहा ये लगी रहे ढूंढने, और मैंने क्योंकि यहाँ से 2 ड्रेसेस ले लिए थे, मुझे मिनिमम 2 ही चाहिए थे। फिर इसके बाद हम लाइमलाइट नहीं गए हुए थे अभी तक, ये अभी तक हम एथनिक पे ही घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन थी उसकी बिलिंग के लिए ना, लंबी नहीं थी मतलब वो उसकी वजह से ना, क्या होता है वो कोविड की वजह से बहुत सारे वो फॉलो कर रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि अच्छी बात है ऑब्वियसली।
फिर हम गए, ये कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी कोई, हाँ ये RCG के अंदर हम गए थे, क्योंकि यहाँ मेकअप की हमने कोई चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे एक मेकअप का कोई स्टोर खुला है जो रिवाज की, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हमें फिर हम हंस रहे थे। RCG हम बहुत जाते थे जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के शादी टाइप ड्रेसेस होते हैं। फिर एंड्योर गए और इतनी हर चीज़ महंगी हो गई है, एंड्योर के जूते इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी बहन ने आई थिंक यहाँ से शूज़ कोई देख रही थी, फिर हमने, हमें कुछ अच्छा भी लगा, हमने कहा चलो थोड़ा सेल का वेट कर लेते हैं, और वो जो पीछे सोफ़ा सेट पड़ा है मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। फिर इतनी भूख लग रही थी, हमने और भी जगहों पर जाना था, लेकिन हम पहले फोक्सन नाइस चले गए, और अब तो फिर जब मैं ये नरेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम फिर मतलब इन स्टोर डाइनिंग अलाउ नहीं है, इन रेस्टोरेंट डाइन इन करना अलाउ नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा अलाउ हो गया था। फिर हमने खूब बैठ के बातें की दोनों बहनों ने, और सारी जो अपडेट थी यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, मैं भी यूनिवर्सिटी में, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, और हमने ये पास्ता खाया और हमने पिज्ज़ा भी खाया था, और मुझे लिटरली भूख ही बहुत लग रही थी। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, देर भी बहुत और थी, लेकिन फिर हमने परवाह नहीं की, क्योंकि दो हो ना तो बहुत, मुझे तो लगता है हौसला सा रहता है, आप कहते हैं। फिर लाइमलाइट हम नहीं गए थे, हालांकि लाइमलाइट का स्टोर शुरू में आता है, और मुझे अब लाइमलाइट इतना पसंद भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे इनकी फैब्रिक क्वालिटी नहीं पसंद, लेकिन बाय चांस आपको होता है कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिल जाता है। तो मुझे यहाँ से एक येलो ड्रेस बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि येलो अब मेरा काइंड ऑफ न्यू फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला मैंने एक ड्रेस लिया है, अभी यहाँ दिखाती हूँ। हाँ जी ये वाला, ये मैं आपको प्रॉपरली पहन के दिखाऊंगी, इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हुआ है गले पे, तो ये मैंने अभी आपको खैर सही तरीके से तो नहीं दिखाया। ये हैट्स जो है, मेरी बहन को अपनी बेटी के लिए लेने का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वो हर व्लॉग देखती है, देख ले। हाय गाइस, सो मैं एक बहुत ही मज़े की डिश बनाने लगी हूँ, विच आई थिंक इज़ माय हाउसेस लाइक यूनिक डिश। माय मदर यूज़ टू मेक इट, और अब हमने उनसे सीख के बनाई है, मे बी और लोग भी बनाते हो, लेकिन हमने उन्हीं से सीखी है। तो इट्स बेसिकली लिटिल बिट लाइक हलीम, कि सारी दालें हम मिक्स करते हैं, एंड यू कैन ऐड चिकन एज वेल, लेकिन उसको ब्लेंड नहीं करते जैसे हलीम में होता है। तो आई हैव ऑल यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ लेंटल्स, यू नो आई हैव सोक देम, जैसे ये वाली एक दाल है, आई डोंट नो द नेम, तो मैंने इन सारी को सोक किया हुआ है। साथ ही मैंने ये एक ग्लास ऑलमोस्ट या थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो राइस भी सोक किए हुए हैं। तो ये सारे मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, राइस है, और अगर आपके पास चिकन हो तो बहुत अच्छी बात है। टुडे आई डोंट हैव चिकन, आई विश आई हैड, तो चिकन का स्टॉक बना लें हाफ के जी चिकन का। तो ओके, सो आई एम डन विद कटिंग ऑल द मसाला स्टफ, जैसे मैंने अपने, अब मैं आपको मसाला स्टफ थोड़ा दिखा भी देती हूँ करीब से। सो ऑब्वियसली जस्ट सिंपल अनियन है, इट्स लाइक 1.5 अनियन, बिग अनियन, क्योंकि मैं मसाला ज़रा अच्छा सा बनाना चाह रही हूँ। देन इट्स लाइक 2-3 टोमेटोज और सब्ज़ मिर्चें हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो यू कैन ऐड मोर। और फिर इसमें दिस मोलर एंड पेस्टल, आई हैव लाइक अदरक लहसुन पेस्ट, और जो इसमें थोड़ा सा उम्फ लाएगा इस डिश के अंदर वो है, दिस इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्वांटिटी, बट लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ इमली, और मैंने इसको सोक करके रख दिया ताकि पेस्ट बन जाए। एंड देन टू ब्रिंग लाइक फर्दर उम्फ, मैंने इसके अंदर मिलाने के लिए थोड़ा सा मैं ये लाइक 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला भी डालूंगी। थ्रू आउट जो स्पाइस आएगी वो इसकी वजह से नहीं आएगी, आई एड लाइक हल्दी एंड ऑल दैट मसाला एज वेल, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी डालूंगी। सारी मसाला की चीज, मसाले की जो सब्जियाँ वगैरह थी, मतलब प्याज टमाटर, वो मैंने डाल दी हैं, और अब मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें बिरयानी मसाला डालने लगी हूँ, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये मेहरान का बिरयानी मसाला मेरा फेवरेट है, मुझे शान का और नेशनल का इतना पसंद नहीं है, तो मैं अंदाजे से ही डालूंगी, इसलिए कि मैं अब इतनी कुकिंग में आई थिंक इतनी कर ली है कि मुझे पता चल जाता है कितना डालना है, तो ये सही है। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए हुआ बाद में तो फिर मैं और डाल दूँगी। और अब मसाला बनाते हुए साथ साथ मैं थोड़ा सा मैश करती जाऊंगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपने नहीं करना, क्योंकि जब ये कुकर हम बंद करेंगे तो बाकी ये उस टाइम मैश हो जाएगा।
ये फिर एक सवा एक कप जो है चावल है ये भी डाल रही हूँ मैं, और इन सब चीजों को मैंने भिगो के रखा था। चना दाल मैंने गला भी ली थी इसलिए कि मैंने फ्रेश निकाली थी। अगर चना दाल आपने काफी पाँच छः चार पाँच घंटे भिगोई हो ना, फिर उबालने की जरूरत नहीं है उसे गलाने की। मैंने इसको अलहदा से गलाया है। और इसमें मैं तो पानी डालूंगी, अगर आप इसमें फिर मैं ऊपर से चिकन क्यूब्स भी डाल दूंगी बाद में, लेकिन अगर आप चिकन की यखनी डालें ना और श्रेडेड चिकन तो इसका टेस्ट और जबरदस्त हो जाता है। अब बस इसको ढक्कन दे के मैं 10 मिनट 8 से 10 मिनट रखने लगी हूँ। ओके जी, तो ये अब मैंने 6 to 7 मिनट रखा है। आई होप कि हर चीज़ अच्छे तरीके से टेंडर हो गई हो। चलें इसको अब खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो ये डिश की फाइनल लुक है। आप इसको थोड़ा सा और खड़ा खड़ा रख सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको पकाया है, लेकिन इसको रखना इस तरह लिक्विड ही सही है। लेट मी लाइक पुट द स्पून इन ताकि आपको पता चले। और ये बहुत बहुत टेस्टी होता है, सो आई एम गोना एंजॉय इट। ओके जी, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई डिश। आई हैव पुट योगर्ट इज़ वेल, लाइक आई पुट नियर मी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा होंगे। और फिर ऑब्वियसली मुझे स्प्राइट की मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई एंजॉय इट विद माई स्प्राइट एंड होपफुली इट्स रियली गुड। लेट मी लाइक टेस्ट इट अ लिटिल बिट। इट इज़ सो टेस्टी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताना है कि ये कैसी है, कि आपकी कैसी बनी।